तो दोस्तों आज चाय पे चर्चा हम लोग लाइब्रेरी में करने जा रहे हैं और बड़ा अजीब टाइम हो रहा है। आपको भी बताता हूँ, चेहरे पर मेरे सुस्ती दिख रही होगी। तो दोस्तों आज बहुत दिनों बाद दोबारा मैं चाय पे चर्चा जो है लाइब्रेरी में करने जा रहा हूँ। इसने बोला बहुत दिन हो गए हैं तो आप लाइब्रेरी पे ही चाय पीते हैं आज। और कमाल की बात यह कि बहुत अजीब टाइम हो रहा है, इस समय लगभग 2 बज रहे होंगे, 2 से ज़्यादा ही बज रहे होंगे, क्योंकि मैं 1:30-2 बजे तो उठा हूँ मैं आज दोपहर के। रात को मैं 2 या 2.5 बजे में सो गया था। अगर 2-2.5 बजे भी सोया हूँ और 1:30 बजे उठा तो बहुत लंबी नींद ली है मैंने। हालांकि बीच में सुबह उठा था मैं, ये सामने आप देखो हाउस बोट, बड़ा अच्छा व्यू लगता है। जब भी मैं आता हूँ ना मैं ऐसे देखता हूँ जैसे लोग नए लोग दिखते हैं। व्यू पहल गई हुई है आज पिकनिक के, शायद स्काउट ये हमने लगाया है। ये नारियल के पेड़ पे फिर किसी ने कुछ लगा दिया ना, कहाँ पे इस पर, ये देखिए किसी ने बोर्ड लगाया अभी और ठोक के लगाया होगा कील, सोचते नहीं है बिल्कुल भी। ये इलीगल होता है पेड़ पे कैसे कील ठोकना, पता नहीं किस चीज का बोर्ड है। चप्पल नहीं ली तूने? हाँ तो नहीं है, तोड़ दी थी। चाणक्य नीति पढ़ने में बड़ा सबको इंटरेस्ट आता है, हर कोई चाणक्य नीति पढ़ना चाहता है। मैं रोज आती हूँ देखती हूँ बाहर होती है। ये हमने अभी नया रैक मंगवाया है, ये वाला रैक हमने मंगवाया था तो ये बड़ा अच्छा लगा हमें, तो हमने फिर ये एक और मंगवाया, ये वाला रैक, ये रहा, ये अभी परसों ही आया और आके फिर उन्होंने इंस्टॉल किया है। तो ये मैंने सोच के मंगाया था कि यहाँ नीचे लग जाएंगे और थोड़ा ऊंचा आ गया, पर फिर यहाँ भी नहीं, ये ठीक है। ये यहाँ क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे फिर लाइट से अंधेरा, लाइट दब रही थी। ठीक है, अभी तो बुक्स आनी है, यहाँ पर भी बुक्स रखी जाएंगी, ये खाली पड़े हैं सब। जो तूने मंगवाई थी बुक्स आई नहीं अभी? नहीं, परसों से आनी शुरू होगी, परसों से आनी शुरू होगी। देखना ये पीछे भी बेल बढ़ गई है ना, यहाँ से भी बेल निकल गया आगे। भाभी कह रही इसको कंट्रोल नहीं किया ना, जंगल बना देगी यहाँ पे, जैसे वो हट पे। हमने काम को तो अच्छा लगता है भाई, नेचर अपना काम करता रहता है, कभी रुकता नहीं है ना। बड़े मुश्किल से मिलने वाले खाली तो क्या बोलते चकली। छोटी सी तो मार्केट है, जब कोई एक रिटेलर होलसेलर नहीं आता ना तो धीरे धीरे पूरी मार्केट में खत्म हो जाती है। क्या टाइम हो रहा होगा? 3 बज रहे हैं। आज मैं स्काउट एंड गाइड में ना सबको दिया है कि आप उस जगह का खाना लाना, उस जगह का खाना लाना। पहल को बोला दिल्ली का कुछ खाना बना के लाना, तो बोली आलू का पराठा लेके आऊंगी। मैंने कहा तुझे खुद को खाना होगा, उनका नाम लगा दिया आलू का पराठा। सोरू भी ऐसे मिले थे ना, फिर
तो वो बता रहे थे उनकी जो बेटी है, क्या नाम है, सरांजलि, वो गई थी तमिलनाडु 3 दिन के लिए साउथ गाइड कर। यार हमको यहाँ आते हैं गर्मी लगती है, बच्चे यहाँ पे 2-2 घंटे बैठे रहते हैं। एक दूसरा पंखा भी लगवाओ। हाँ। और नारियल के पत्ते कलेक्ट नहीं किए तुमने अभी? अभी बोल दिया सबको, चिया के घर में भी बोलना उधर भी बोलना। ये ऐसे नहीं होगा कि तूने बोल दिया और वो दे देंगे, ये एक एक करके कलेक्ट करने पड़ेंगे, एक पत्ता कहीं से एक पत्ता कहीं से, ऐसे करके पिछले दिन रहेगा तो उठा के लाएंगे। पीछे भी वो जो माड़ी वाले भैया आते हैं उनको भी बोला करे, पीछे में आएगा तो बताऊंगी आपको। जो उन्होंने उस दिन काटे थे वो डाल दिया ना ऊपर, इनके यहाँ 2 दिन पड़े थे वो भी इनके यहाँ से वहां से निकाल के डाला, इन्होंने अपना कट करके भी दिया एक ग्रीन कलर वो भी डाला था। यह सच में आगे क्रोकोडाइल है? सच में क्या मतलब, इसी इस तरह की जगह पे ही तो होंगे और कहाँ होंगे, क्या फ्लैटों में रहेंगे? इसमें हैरानी की बात क्या है, जंगल है सारा ये सामने। सी आगे मम्मी बताए थे एक बार कि वो तारी पे जो पुलिस की शीप खड़ी रहती थी, करे वहां पे हमने देखे थे 2 क्रोकोडाइल। वो एक बच्चा जो आता है वो रोज आके एक बार जैसे होता है ना, आना ही आना है, वो स्कूल से आया गया बैग रख के आया साइकिल लेके आया, अपना 2-3 किताब तक पढ़ी, छुई, पानी वानी पिया, चला गया। कैरम आया वो भी 11 तारीख को आया रहता है, 11 तारीख को जो भी आइटम थे ना तुम्हारी तो मंगाई तुमने टिक टैक वाला और वो भी सब आ जाए। कैरम स्टैंड वाला मंगाया ना हमने, डोडो को ले आना। हाँ कल आया लेना।
वो मछली पकड़ने वाली बोट है। हाँ वो वाली ना। कितने स्टीमर टाइप बोट जाती है वो आगे जाके फिशिंग करते हैं। आज यहाँ पे फिश होगी। सुबह के टाइम पे कितनी फिश घूमती है पर वो फिश ये लोग पकड़ते नहीं है। लोग पता चल जाता है कौन सी फिश पकड़नी है कौन सी नहीं। उस दिन हम लोग रात को टोनी को लेके आए 12-12:30 बजे तक। सिया उसके पापा नीचे उतर के जो नदी के वहां पे उतरते हैं वहां पे खड़े होकर फिशिंग कर रहे थे। बोट जा रही है। ये टूरिस्ट की बोट है ना ये घुमाने ले जाते भाई बैठे तो है फॉरनर। हाँ दो ही फॉरनर है सिर्फ नहीं पीछे भी है, है? हाँ हाइको थी ना वो इसमें कह दी कि चलते हैं एक बार राउंड मार के आएंगे जब से मम्मी आई हुई थी और कुछ जा ही नहीं पाई। क्या हुआ? कुछ नहीं सुस्ती खा लिया। 3 बज रहे हैं अभी स्विमिंग करने जाना है। तभी जाके एनर्जी आती है। दोपहर दोपहर में जाने का फायदा हम शाम को जाते ना आते टाइम ट्रैफिक खुलता है। अभी निकल पड़ते 3-3.5 दिन तो हो ही रहे। ट्यूबलाइट को साफ कर से पेंट लग रहा है। जितने भी पौधे लगाए थे अब जाके उन्होंने जड़ पकड़ी है तो पत्ते फ्रेश हो गए हैं। पानी दो प्रॉपर। हाँ पानी तो रोज दे रहे पत्तों में फ्रेशनेस आ गई है। अभी पहले एक गड्ढा और खोद के रखा उसमें पौधा लगाने। वो जो पार्किंग में बन रहा है इसके बाहर उन्होंने काफी सारे पौधे लगाए हैं। इतने सारे पेड़ उखाड़ के ठेकेदार से बात नहीं दोबारा वो बाथरूम बनवाओ उसके पीछे टॉयलेट तो बहुत जरूरी है। चलो यार बस सुस्ती चल रही है बंद नहीं कर रहा। सुस्ती नहीं यहाँ पे आके ज्यादा बात बात नहीं होती है। वो बाल नहीं होता व्हाइट कलर का बचपन में वो उड़ता हुआ जा रहा था। चलो